नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीएम जग्रवाल। टारगेट एजुकेशन क्लासेस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज लेकर आए हैं काव्य दोष का दूसरा भाग, अर्थात पाठ नंबर 2। पिछले वाले वीडियो में हमने काव्य दोष के कुछ दोष पढ़े थे, अर्थात श्रुति कटुत्व दोष, अक्रमत्व दोष, ग्राम्यत्व दोष, अपतित्व दोष, कृष्टतल्व दोष, ये हमने पढ़ लिया था। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे वाक्य दोष के कुछ भेद, यानी आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे वाक्य दोष। तो काव्य दोष देखते हैं। सबसे पहले, जिस तत्व के कारण काव्य के अर्थ को समझने में बाधा उत्पन्न होती है, यानी जो काव्य है, कविता है, उसको हम पढ़ते हैं, उस पढ़ करके हम उसका अर्थ करते हैं, अर्थ से हमें जो आनंद की अनुभूति होती है, उस आनंद को कम करता है, आनंद आनंद को जो कम करता है, हमें रस जो कम देता है, उसे हम काव्य दोष कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? काव्य दोष कहते हैं। दोस्तों, पिछले वाली वीडियो हम ये परिभाषा हम पढ़ चुके हैं, तो आगे देखते हैं। काव्य दोष के प्रकार, काव्य दोष के 3 प्रकार होते हैं। पहला शब्द दोष, दूसरा अर्थ दोष, तीसरा रस दोष। शब्द दोष के 2 भेद होते हैं। पहला पद दोष। पद दोष को हमने पहले वाली वीडियो में, पिछले वाली वीडियो में हमने पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे वाक्य दोष। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ वाक्य दोष। तो देखते हैं वाक्य दोष। वाक्य दोष, जहां किसी काव्य की रचना दो जहां किसी वाक्य की रचना दोषपूर्ण होती है, यानी कोई वाक्य, कवि ने कोई वाक्य रचना की, उसमें कोई कमियां रह गई है, वहां पर वाक्य दोष होता है। उस वाक्य दोष के प्रकार है न्यून पदत्व दोष, अधिक पदत्व दोष, अक्रमत्व दोष, पुनरुक्ति दोष। तो अब सबसे पहले देखते हैं न्यून पदत्व दोष। न्यून पदत्व दोष, न्यून पदत्व का अर्थ है पद या शब्द की कमी होना। वाक्य में किसी न किसी शब्द या किसी न किसी पद की कमी रह जाती है, वहां पर न्यून पदत्व दोष होता है। जहाँ वाक्य की रचना में किसी शब्द की कमी रह जाती है, किसी एक शब्द की कमी रह जाती है, यानी काव्य रचना जो करता है, कवि है, वो किसी न किसी एक शब्द की कमी रख देता है, वहां पर न्यून पदत्व दोष होता है। इसमें यानी काव्य में अर्थ निकालने के लिए पाठक को, जो पढ़ता है पाठक को, कुछ न कुछ शब्द अपनी ओर से जोड़ना पड़ता है, वहां पर न्यून पदत्व दोष होता है। जैसे पहला उदाहरण है, कृपया दृष्टि हो जाए तो बन जाए सब काम। ये रचना जो रचना है, काव्य है, कृपया दृष्टि हो जाए तो बन जाए सब काम। यहाँ पर जब किसी के सामने ये बोला जाता, कहा जाता है कि कृपया दृष्टि हो जाए, तो किसके सामने कह रहे हैं? उसके लिए हम संबोधन शब्द लगाते हैं, तुम्हारी या आपकी। तो यहाँ पर कृपया से पहले, कृपया से पहले तुम्हारी या आपकी शब्द की कवि ने कमी रख दी थी। अर्थात यहाँ पर यह होता, तुम्हारी या आपकी कृपया दृष्टि हो जाए तो बन जाए मेरे सब काम। यहाँ सबसे पहले मेरे का भी प्रयोग होना है, तो वाक्य शुद्ध होगा। यानी वाक्य शुद्ध किस प्रकार होता? तुम्हारी या आपकी कृपया दृष्टि हो जाए तो बन जाए मेरे सब काम। परंतु कवि ने यहाँ पर कृपया से पहले तुम्हारी या आपकी शब्द और सबसे पहले मेरे शब्द की कमी रख दी थी, इसलिए यहाँ पर न्यून पदत्व दोष है। अगला उदाहरण है, पानी पावक पवन प्रभु जो असाधु त्यों साधु। पानी यानी पानी, पावक यानी आग या अग्नि, पवन हवा या वायु, प्रभु यानी भगवान। पानी, आग, हवा और भगवान सज्जन और दुर्जन व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करते हैं। यानी पानी है वो सबको समान मिलता है, चाहे वह सज्जन व्यक्ति या दुर्जन व्यक्ति हो। हवा भी सबको समान मिलती है और आग भी सबके साथ समान व्यवहार करती है। परंतु कवि ने यहाँ पर समान शब्द का पर्याय नहीं रखा था। इस काव्य में समान शब्द का पर्याय नहीं रखा, समान शब्द का अर्थ देने वाला शब्द नहीं रखा, इसलिए यहाँ पर न्यून पदत्व दोष है। अगला उदाहरण है, बंसी प्यारी मधुर सुर की साथ में सोती। बंसी प्यारी मधुर सुर की साथ में सोती है, तो यहाँ पर सात शब्द से पहले आपके साथ में सोती है, यानी आपके साथ अच्छी लगती है,
तो यहाँ सात के पहले आपके आपके शब्द की कमी रह गई थी, इसलिए यहाँ पर न्यून पदत्व दोष है। अगला उदाहरण है, नाना सरोवर खिले नव पंकजों को, ले अंक में व्यस्ते मन मोहते। यहाँ पर सरोवर, सरोवर के बाद यानी यहाँ पर सरोवर के बाद में की कमी रह गई थी, इसलिए यहाँ पर न्यून पदत्व दोष है। अगला दोष पढ़ते हैं, अधिक पदत्व दोष। अधिक पदत्व दोष, जहाँ काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग किया जाए वहाँ अधिक पदत्व दोष होता है, यानी काव्य रचना में जितना अर्थ हमें चाहिए उससे अधिक पदों, अधिक शब्दों का अर्थ, अधिक शब्द रख दिए जाए, काव्य में अधिक शब्द शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर अधिक पदत्व दोष होता है। जैसे लपटी पुहूप पराग पद सनी सनी सवेद मकरंद, लपटी पुहूप पराग पद सनी सवेद मकरंद। यहाँ पे पुहूप और पराग दोनों का एक समान अर्थ है, यानी पुहूप का अर्थ पुष्प है और पुष्प के अंदर जो पराग होता है उसकी बात हो रही है, तो यहाँ पर पराग की बात हो रही है तो पराग लिख दिया तो पुहूप लिखना अनावश्यक हो गया। तो यहाँ पर पुहूप शब्द अनावश्यक है क्योंकि पराग तो पुष्प का ही होता है, पुष्प का ही भाग होता है, पुष्प का ही हिस्सा होता है, तो यहाँ पर अधिक पदत्व दोष हो गया। अगला उदाहरण देखते हैं, तुम निज स्वरूप में चिर महान, तुम निज स्वरूप में चिर महान। तो यहाँ पर निज व स्वय का अर्थ एक जैसा, अर्थात निज का अर्थ भी अपना है और स्वय का अर्थ भी अपना होता है, तो यहाँ पर निज या स्वय में से एक शब्द ही आएगा, तो यहाँ पर दोनों शब्द आने से क्या हो गया, अधिक पदत्व दोष हो गया। अगला उदाहरण है, मन मेरा स्फटिका करती निर्मल रहे सदा। यहाँ पर निर्मल जो शब्द है वह अनावश्यक है क्योंकि निर्मल शब्द की, निर्मल शब्द का जो भावार्थ है, जो अर्थ है वह स्फटिका करती शब्द में ही, स्फटिका करती शब्द से ही पंक्ति का अर्थ हो गया, अर्थ पंक्ति का अर्थ हो गया यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, ये जो निर्मल शब्द है वो अनावश्यक हो गया, यहाँ पर अधिक पदत्व दोष हुआ। अगला दोष है अक्रमत्व दोष, जब कोई पद उचित स्थान पर प्रयुक्त न होकर, यानी व्याकरण के नियमानुसार पहले कर्ता होना चाहिए, फिर कर्म होना चाहिए, फिर क्रिया होनी चाहिए, फिर सहायक क्रिया होनी चाहिए, ये क्रम न होकर जब कोई पद उचित स्थान पर प्रयुक्त न होकर अनुचित स्थान पर प्रयुक्त हो जाता, या व्याकरण के नियमानुसार शब्दों का प्रयोग न हो वहाँ पर अक्रमत्व दोष होता है, यानी व्याकरण के नियमानुसार शब्दों का उचित प्रयोग या सही प्रयोग नहीं करते हैं वहाँ पर अक्रमत्व दोष होता है। जैसे उदाहरण है, विश्व में लीला निरंतर कर रहे मानवी। यहाँ पर जो मानवी शब्द है, यहाँ पर जो मानवी शब्द है ये लीला से पहले आता, तो वह हमारा काव्य होता विश्व में मानवी लीला निरंतर कर रहे हैं, ये वाक्य शुद्ध हो गया, विश्व में मानवी लीला निरंतर कर रहे हैं, तो ये मानवी शब्द उससे पहले आता परंतु यहाँ पर काव्य के अंत में आया, इसलिए यहाँ पर अक्रमत्व दोष हुआ है। दूसरा उदाहरण है, विश्व में मिलते नहीं है वीर भीम समान के, विश्व में मिलते नहीं है वीर भीम समान के। तो यहाँ पर विश्व में मिलते नहीं, ये नीचे वाला शुद्ध वाक्य है, विश्व में मिलते नहीं है वीर भीम के समान। तो यहाँ पर जो के शब्द है ये किसके पहले आना चाहिए था, भीम के बाद और समान के पहले आता तब शुद्ध होता, परंतु यहाँ पर सबके अंत में दिखाया गया है, लिखा गया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा दोष हो गया, अक्रमत्व दोष हुआ है। अगला उदाहरण है, जिसने अपनाया था त्यागा रहे स्मरण ही आते, जिसने अपनाया था त्यागा रहे स्मरण ही आते। तो यहाँ पर जो रहे शब्द है वह आते के बाद में आना चाहिए था, यहाँ पर जो रहे शब्द है वह किसके बाद में आना चाहिए, सबके अंत में आते के बाद में आना चाहिए था, रहे शब्द आते के बाद में होने से वाक्य शुद्ध हो जाता, परंतु ये क्या हो गया, यहाँ पर कौन सा दोष हो गया, अक्रमत्व दोष हो गया। अगला है उदाहरण, तुम सागर गंभीर बनो, तुम सागर गंभीर बनो सम। तो यहाँ पर सम शब्द वह सागर के बाद आना चाहिए था,
यहाँ पर सम शब्द किसके बाद में आना चाहिए था? सागर के बाद में आना चाहिए, अर्थात तुम सागर सम गंभीर बनो, तुम सागर सम गंभीर बनो। तो यहाँ पर जो सम शब्द है वो अंतिम में आया, वाक्य के अंत में आया, यहाँ पर हो गया अकर्मत्व दोष हो गया। अगला दोष है हमारा पुनरुक्ति दोष। पुनरुक्ति यानी शब्द का बार बार या पुनः प्रयोग होना पुनरुक्ति दोष होता है। जहाँ काव्य में कोई शब्द बार बार आए, यानी अर्थ पूरा हो रहा है फिर भी हम उसको बार बार प्रयोग कर रहे हैं। जहाँ काव्य में कोई शब्द बार बार आए और उस शब्द के प्रयोग से अर्थ का अनर्थ हो रहा है, यानी किसी शब्द का अर्थ एक बार, किसी शब्द को एक बार प्रयोग करने से अर्थ पूरा निकल रहा है, हमें आनंद की रस की अनुभूति हो रही है, फिर भी दोबारा प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है, तो वहाँ पर पुनरुक्ति दोष होता है। जैसे सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान, यहाँ पे जगत और जहान दोनों का एक ही अर्थ निकल रहा है, जगत व जहान शब्द का एक ही अर्थ है, तो यहाँ पर जहान शब्द आने से पुनरुक्ति दोष हो गया। यहाँ पर जगत का मतलब भी संसार होता है और जहान का मतलब भी संसार होता है, तो यहाँ पर दोनों में से यानी जगत का प्रयोग कर रहे हैं तो फिर जहान का प्रयोग नहीं करना था, परंतु जहान का प्रयोग हुआ इसीलिए यहाँ पर पुनरुक्ति दोष है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। कोमल वचन सभी को भाते, अच्छे लगते मधुर वचन। कोमल वचन सभी को भाते, अच्छे लगते मधुर वचन। यहाँ पे भाते और अच्छे लगते का अर्थ एक समान है, एक जैसा है। भाने का मतलब भी है अच्छा लगना और अच्छे लगते का मतलब भी है अच्छा लगना, तो यहाँ पर भाते और अच्छे लगते शब्द वाक्य में पुनरुक्ति दोष हुआ है। यानी भाते का अर्थ भी वही है और अच्छे लगते का भी अर्थ वही, तो यहाँ पर भाते का प्रयोग हो जाने के बाद में अच्छे लगने का प्रयोग नहीं होना था। अगला उदाहरण है मदन बाण के लागत ही, मदन बाण के लागते ही मूर्छि परी सुधी नाही। तो यहाँ पे मूर्छि परी यानी मूर्छि परी यानी बेहोश होना, सुधी नाही यानी उसको सुधबुध नहीं है, दोनों का अर्थ एक ही है। मूर्छित परी यानी मूर्छित होकर के सामने पड़ी है, पड़ा है। सुधी नाही यानी उसे सुधबुध नहीं है, तो इसका अर्थ भी मूर्छित होना ही है। तो यहाँ पे मूर्छि परी व सुधी नाही का अर्थ, यहाँ पर दोस्तों अर्थ है, अर्थ समान ही होने के कारण यहाँ पर पुनरुक्ति दोष हो गया। यहाँ पर मूर्छि परी या सुधी परी, सुधी नाही दोनों में से एक ही शब्द आना था, एक ही शब्द आना था, दोनों आने के कारण यहाँ पर कौन सा दोष हो गया? पुनरुक्ति दोष हो गया। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखे। दोस्तों वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।